नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज़ और मैं आपके साथ वंदना। मेंस्ट्रुअल साइकिल महीना मासिक धर्म पीरियड ये महिलाओं में होने वाली शारीरिक प्रक्रिया है। जी हाँ, जिसके बारे में आज भी कई लोग बात करने में हिचकिचाते हैं। बता दें कि आमतौर पर महिलाओं के मासिक धर्म 28 दिनों के भीतर आते हैं और इसका पीरियड 5 दिनों का होता है। जहाँ एक तरफ आज भी हमारे समाज में कई लोग हैं जो कि ये बात करने में कतराते हैं, जी हाँ, वो पीरियड का नाम लेना नहीं चाहते। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हमारे समाज में मौजूद हैं जो महिलाओं को इसके बारे में जानकारी देते हैं और ये भी बताते हैं कि वो अपना पीरियड के दौरान किस तरीके से ख्याल रख सकें। तो आज हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता मोहम्मद कबीर के द्वारा आज कुछ खास लोगों के खास कार्यक्रम के झलकियों से रूबरू करवाएंगे। खपरैल न्यू नॉलेज सोसाइटी के सदस्य के द्वारा सिप्तीगुड़ी टी एस्टेट और न्यू चुमता टी एस्टेट में रविवार को करीब 400 से भी ज्यादा महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड के बारे में जानकारी देते हुए इसका वितरण भी किया गया। दूध नहीं पीना चाहिए और दूध का चाय भी नहीं पीना चाहिए। एक्चुअली में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को जानना है कि इस टाइम पे दूध, अंडा ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए। खुजली होता है, इन्फेक्शन होता है, ये सब चीज़ उस समय यूज़ नहीं, मतलब खाना नहीं चाहिए। और क्या खाना चाहिए तो ग्रीन वेजिटेबल्स, जिसमें आयरन, विटामिन, प्रोटीन, दाल, स्पेशली दाल को अपने खाने में इंक्लूड कीजिए, चाहे पीरियड्स हो चाहे ना हो, उसके उसमें बहुत प्रोटीन होता है, तो दाल यूज़ की दाल को खाइए। और सब्जी वगैरह जो फ्रेश फ्रेश है, आप लोग के सामने तो फ्रेश फ्रेश बहुत हमेशा उगते रहता है, इसी कारण से आप लोग फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए। मेरा बताना थोड़ा अटपटा लगेगा, ठीक है ना, कि मैं आपका किसी का भाई लगूंगा, किसी के लिए बेटा लगूंगा, किसी के लिए सर लगूंगा, और ऐसे मैं एक समाज सेवी हूँ, ठीक है। हम लोग जितने भी लोग आए हम लोग सब समाज सेवी है। हम लोग सिर्फ इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कोविड का समय है, उसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आप लोग जहाँ वर्क करते हैं, काम करते हैं, वहाँ थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा। जैसे आप देख रहे हैं ना अस्पताल में क्या हाल हो रहा है, वीडियो टीवी तो देखते होंगे, न्यूज़ वगैरह सब देख रहा है। कृपया करके आप लोग भी थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग घर में मनाइएगा, सेफ्टी रखिएगा, साफ सुथरा रहिएगा। जहाँ भी काम करते हैं वहाँ से जब आते हैं नहाइएगा अच्छी तरह से, कपड़े जो यूज़ कर लिए उसको धोने दे दीजिएगा, फिर दूसरे कपड़े यूज़ कीजिएगा सोने के लिए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप लोग पक्का ध्यान रखिएगा। और जो आज जो हम लोग लाए ये ज़रूरी बेसिक चीज़ें हैं, ये तो हमारे पास कुछ भी नहीं है और भी हमारे पास गाड़ी में पड़ी हुई है, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं। आप लोग जितना भी हैं जितना लगेगा हम लोग देंगे। हम लोग को पूरे भारत से लोगों ने सपोर्ट किया है इस प्रोग्राम के लिए, बहुत सारा दिया है, बहुत सारा सैनिटरी पैड दिया है, इसलिए क्योंकि हम लोग इस विषय पर बात करें, इस चीज़ को छुपा के नहीं रखना। नॉर्मल चीज़ें दुकान में जाते हो, आप लोग सैनिटरी पैड मांगते हो, दुकानदार पेपर में रैप करके देता है, जैसे बॉम्ब ले जा रहे हो। क्योंकि पता है कि हॉट बैग मिलता है, सब कोई हॉट बैग नहीं खरीद सकते, तो आप लोग पता है घर में बॉटल मैं खुद यूज़ करती हूँ, जब हॉट बैग मेरा दो बार फट चुका है, इसी कारण से मैं खुद यूज़ करती हूँ, बॉटल में गर्म पानी डाल के अपने पेट को सेकिए। हॉट बैग का जरूरत नहीं है, उससे भी रिलीफ मिलेगा, गर्म पानी को बॉटल में डालकर लेट कर अपने पेट, कमर जहाँ पे दर्द दे रहा है वहाँ पे सेकिए। जरूरी नहीं कि हॉट बैग, और जो पेन किलर्स आता है प्लीज उसको यूज नहीं कीजिए। पेन तो नहीं मन बुझला कि नहीं बुझला, माई मन हमनी मन के इतना अच्छा सिखा लाए, महीना हो गया हमनी मन लुका मन लगाए के हमनी के सफा से धोए के डेटोल से धो के ओके धूप में, ओके धूप में सुखा पड़ी, चाहे पैड यूज करो तो पैड के भी अच्छा से ओके पैक करके फेंके खाई का कर जमीन में गिर देवे खाई, ज़्यादा टाइम तक भी उके पहने के रखे, जितना पैड में टाइम रही उतना ही टाइम तक यूज करे खे, ओके ज़्यादा यूज करे के रखे। आप लोग पहले जो नहीं लगा रहे थे आपसे लगाओगे ना, कम से कम आपसे तो लगाओगे ना, सब कोई जोर से बोलो लगाएंगे ना। इसका फायदा क्या क्या पता चल गया, और जो चीज़ नहीं पता चलता है आप लोग बड़े लोग से पूछ सकते हैं या गूगल में सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइंदा कुछ भी हो घर में अपने बड़े के मम्मी पापा को, स्कूल टीचर्स को, जो हमारे मैम लोग हैं उनको बताना है, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो छुपा के नहीं रखना, ठीक है। आप लोग इधर सब कोई करेंगे ना यूज, ठीक है ना। पैड स्टे फ्री जो होता है ना, पीरियड्स रास्ते में चलते चलते हो जाता है, तब क्या करना चाहिए, इसलिए इस बात पे हम आज चर्चा करेंगे, क्या क्या खाना चाहिए उस टाइम पे वो हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों को लगता है कि वो महंगा है बहुत पैड, इसलिए हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अगर भी आप लोग कपड़ा यूज़ करते हैं, कोई भी होता है कपड़ा यूज़ करते हैं, यहाँ पे कितने लोग कपड़ा यूज़ करते हैं।
कौन यूज करते हैं कपड़ा? हाँ आप कपड़ा यूज कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो कपड़ा है ना उसको धोने के बाद उसको अच्छे से धूप में सुखाना चाहिए और उसको साफ सुथरे जगह पे रहना रखना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि इससे भी होता है ना बड़े बड़े इन्फेक्शन हो जाते हैं वो जो, और जो सफाई जो होता है हमारे जो गुप्त अंगों का प्राइवेट पार्ट का जो सफाई होता है वो कभी भी जो साबुन होता है ना साबुन के पानी से कभी भी नहीं करना चाहिए, क्यों? उससे भी इन्फेक्शन होता है। जो कभी कभी पेट में दर्द होता है ना वो सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, तो जब हमको ऐसा होता है तो हमको उसमें बहुत सारे मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए क्योंकि बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी के वजह से कभी कभी हमको क्रैम्प्स आने लगते हैं, ठीक है, ये सब दर्द होता है। तो उस समय जो होता है जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, ठीक है, मांस मछली हो गया, ये सब कम करके जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा खाना चाहिए। जितना हो सके हम लोगों को रेस्ट लेना चाहिए। रेस्ट लेने से क्या होता है, जो रक्त का जो बहाव जो जाता है उसके वजह से कभी कभी होता है ना आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाता है, ठीक है, उसको हमको रैप करके हमको उसको हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए, हमेशा हमको खुले में नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अगर आप डिस्कशन नहीं करेंगे, मतलब जो आपकी जो बेटियाँ हैं या फिर जो भी है आपके, ठीक है, बहन वहन है, उसको ये सब चीज़ें पहले से बताना चाहिए। अगर आप वो सब चीज़ें उसको पहले से बता के रहेंगे तो वो तैयार रहेंगे ना उस सब चीज़ों के लिए। कोई भी लगता है कि ये गंदी चीज़ें हैं, ये इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहिए, गंदी चीज़ें नहीं है, ये सबको होता है। एक एज के बाद जो चेंजेस आते हैं, रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से ये सभी को होता है, ठीक है, तो ये सब नॉर्मल बात है। बता दें कि वहां सभी लोगों ने इस कार्यक्रम के दौरान बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया और साथ ही न्यू नॉलेज सोसाइटी के युवाओं का दिल से शुक्रिया भी अदा किया। ऐसे ही खास रिपोर्ट्स देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आर वॉइस न्यूज़। धन्यवाद।